ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या हुआ? हाँ, काफी वक्त से देख रहा हूं खोई खोई से लग रही हो, अभिमन्यु के पास भी नहीं जा रही, हुआ क्या है? कम ऑन आरोही, स्पीक अप, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, क्या हुआ? तुमने झूठ बोला? क्यों बोला झूठ? मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं अभिमन्यु को पाना चाहती थी, पर आप ही कहते हैं ना कि अगर हमें कोई चीज चाहिए तो उसे पाने के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। मैंने तो बस आपको फॉलो किया है। What? इतना बड़ा झूठ? What is wrong with you? अंकल, I'm sorry. I'm really sorry. पर आप ही चाहते थे ना कि मैं आपके घर की बहू बनूं। मैं भी यही चाहती हूँ। मैं अभिमन्यु से बहुत प्यार करती हूँ, उसे पाना चाहती हूँ। पर अभिमन्यु है कि वो अक्षरा से प्यार करता है। सर, आप ही समझते हो ना कि हॉस्पिटल में, घर में, फैमिली में, हर तरह से मैं आपकी बहू बनना ज्यादा डिजर्व करती हूँ, तो अक्षरा नहीं। मैं सही कह रही हूँ ना? मैंने भी अपने सपनों को पाने के लिए एक झूठ बोला। इनफैक्ट मैंने तो झूठ बोला भी नहीं, सबने बस अस्यूम कर लिया कि मैंने अभिमन्यु को आग से बचाया। और वैसे भी ये एक झूठ से मेरी एबिलिटी तो कम नहीं हो जाती ना? आप ही बताइए क्या कमी है मुझ में? आप ही चाहते हैं ना कि मैं बिरला हाउस की बहू बनूं? आई एम सॉरी अंकल, पर मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने झूठ बोला। आई वॉन्ट टू बी द पावर कपिल विथ अभिमन्यु, डॉक्टर अभिमन्यु बिरला एंड डॉक्टर आरोही बिरला। वो फोटो ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूं। अभिमन्यु के हाथ नहीं लगनी चाहिए। आपने इंसिस्ट किया इसलिए सब लोग आ गए। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता हूं। इस तरह तो तुम अभिमन्यु को खो दोगे। देखो ये तुम क्या इमेज इमेज करते रहते हो। मेरी अब उम्र हो गई है, अभिमन्यु फेस है हमारे बिरला हॉस्पिटल का, ही इज द फ्यूचर। अगर उसका दिमाग खराब हो गया ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तुम समझ रहे हो? और गोयनकाज भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। और हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अपना काम करना है। हम क्यों किसी की दुश्मनी मोल लें? सो यू बेटर सॉर्ट दिस मैटर आउट। आइए ना प्लीज, अंदर आइए ना आप लोग, आइए। हाँ, ये एक चीज तो ठीक हुई, अब बस फोटोज मिल जाए तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी। तो वहां देखो, मैं इस तरफ देखता हूं।
मेरे शूज की लेस खुल गई, बांध दो। ऐसे याद रहेगा, जा। ओए, इधर। अगर ये फोटो नहीं मिली ना तो ये पार्टी को जल्द से जल्द खत्म करवा के सारे स्टाफ को लगवाना पड़ेगा फोटो ढूंढने के लिए, मगर वो फोटो अभिमन्यु या तुम्हारे फैमिली के हाथ नहीं लगनी चाहिए। Come on, look for it fast. अरे इसमें ऐसा क्या है? काम में तो स्ट्रेस होता ही है। यू डोंट वरी, तुम मेरे किसी म्यूजिक थेरेपी सेशन को अटेंड करो ना। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता। पर तुमने अभी अभी तो कहा कि तुम्हारा इंटर्नशिप बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है, तुम्हें मेंटल पीस चाहिए। वो तो ऐसे ही बोल दिया था। काम पे थोड़ा बहुत तो टायर्ड सभी को होता है, और मुझे अच्छी नींद मिल जाती है तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ। इट्स ओके। पर तुम्हें म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक सुनने के लिए आ जाओ। नो, आई हेट म्यूजिक। मुझे म्यूजिक पसंद ही नहीं है। छी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। एक्सक्यूज मी, ऐसे क्यों भागा जैसे कोई भूत देख लिया? उसने मेरी मदद करने की कोशिश की तो मैंने सोचा मैं भी मदद कर दूं, पर अब उसे ही नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं? जब देखो उस बेचारे को डराकर भगा देते हो। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम्हें नहीं पता क्या प्रॉब्लम है? मत करो ऐसा प्लीज। क्या कर रहा हूं मैं? क्या करूं मैं? कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा, क्या करूं? हमने डिसाइड किया था ना कि हम नॉर्मल रहेंगे। हाँ, तो डॉक्टर की वो इतनी है जो तोड़ नहीं सकता। ये रिश्ता क्या कहलाता?